हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज अ काइट्स रोप इज 158 मीटर एंड इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट। यहां पर फोर ऑप्शन गिवन है, ए बी सी एंड डी, और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें दे रखा है अ काइट्स रोप। तो लेट सपोज की काइट कुछ इस प्रकार से है आसमान में, और उसकी रोप यहां पर ऐसे ग्राउंड में है, ठीक है। अब ग्राउंड से देखिए दे रखा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? जब ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर किसी चीज को देखता है। इसका मतलब 30 डिग्री का एंगल कुछ ग्राउंड पर इस प्रकार से बनेगा, ये 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा। देन फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, और हमें काइट की हाइट फाइंड करनी है, तो ये परपेंडिकुलर हाइट हो गई, ये हमें फाइंड करना है, तो ये बनेगा 90 डिग्री का एंगल। ये दे रखी है 158 मीटर रोप की लेंथ, और ये एच हाइट हमें फाइंड करनी है, ठीक है। इसको पॉइंट मान लेते हैं ए, इसको बी और इसको सी। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, यहां पर दे रखा है इन ट्रायंगल ए बी सी में इस 30 डिग्री के एंगल के लिए ये जो हाइट गिवन है ए बी, ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और ये 158 क्या है? हाइपोटेनियस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? साइन का। तो साइन, और एंगल दे रखा है 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि एच अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 158। यहां पर ये हाइट गिवन है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2 इक्वल टू एच अपॉन 158। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे देन वी गेट एच इक्वल टू 158 अपॉन 2। तो एच की वैल्यू आ गई 79 मीटर, विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।